हमें इस बात से थोड़ी फर्क पड़ता है कि मिलर खरीद रहे हैं, सरकारी एजेंसी खरीद रही है। हमें तो बढ़िया से बढ़िया भाव में हमारा धान बिकना चाहिए, हमारे धान की खरीदी होनी चाहिए। हमारा मुद्दा तो ये है, दुनिया में कोई भी हमारे बासमती का खरीदार नहीं। जब धरने पर बैठे किसान, एसडीएम ने दिया ये आश्वासन। बासमती धान की खरीद न होने पर किसानों द्वारा मंगलवार को खरखौदा की अनाज मंडी गेट पर धरना दिया गया, क्योंकि एसडीएम डॉक्टर अनमोल द्वारा सोमवार को आश्वासन दिया गया था कि वे स्वयं अनाज मंडी में पहुंचकर धान की खरीद को लेकर बातचीत करेगी। लेकिन जब एसडीएम खरखौदा किसी की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाए तो किसानों ने गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और अनाज मंडी के सामने रोहतक मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया। उसी दौरान खरखौदा थाना प्रभारी सुनील कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया। इसके कुछ समय के पश्चात एसडीएम डॉक्टर अनमोल मौके पर पहुंची और उन्होंने धान की खरीद को लेकर किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि धान की खरीद को लेकर जो उनके सामने समस्या आ रही है उसे वह लिखित रूप में दे ताकि वह सरकार तक पहुंचाया जा सके। उनका कहना है कि वे हैफेड अधिकारियों से इस बारे में बात करके की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। फिलहाल किसानों ने लिखित रूप में एसडीएम डॉक्टर अनमोल को धान की खरीद कराने के लिए मांग पत्र सौंपा है। उस रेट में दुनिया में कोई भी हमारे बासमती का खरीदार नहीं। देखो कई जगह जाता है अपना, मान लीजिए ये अरबियन देश है, यूरोप भी लेते हैं, सारे ले हुए, यूएई भी ले हुए हैं, कतर भी ले हुए हैं। ये महोदया यहाँ पे पहुंची, हमने उनसे ये मांग करी कि भाई जो मिलर्स की और सरकार की जो आपस में जो टकराव चल रहा है, अगर उसको दो मिनट के लिए साइड में भी रख दें, तो जैसे पिछली बार एफेड ने भी खरीद करी थी बासमती की और 50 रुपया तेज खरीद करी थी, तो सरकार अपनी एजेंसी उसे खरीद करा ले। हमें इस बात से थोड़ी फर्क पड़ता है कि मिलर खरीद रहे हैं, सरकारी एजेंसी खरीद रही है। हमें तो बढ़िया से बढ़िया भाव में हमारा धान बिकना चाहिए, हमारे धान की खरीदी होनी चाहिए, हमारा मुद्दा तो ये है। तो अगर सरकार की नीति और नियत साफ हो तो सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों से खरीद करा ले। और दूसरी तरफ मिलर से के साथ भी जो सरकार का विवाद चला हुआ है, उस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो अल्टीमेटली जो पिस रहा है वो तो किसान है। भाई मिलर तो 1000 रुपये 500 रुपये भाव तोड़ देगा कल को, लेकिन वो 500 रुपये 1000 रुपये का नुकसान किसको होगा? वो नुकसान तो किसान को हो रहा है ना। तो इस सरकार को किसानों की समस्याओं को दूर करने की तरफ प्रयास करना चाहिए। बैठी मैडम आई काफ़ी देर के बाद, तो आई चलो आई अच्छी सोच रही, पॉजिटिव विचार रहा मैडम का भी। मैडम ने यह कहा है अगर आपकी जो मांग है खरीद करवाने की, वो हमने आज रखत में भेजूंगा, ऊपर भेज देती हूँ और कोशिश करेंगे हैपड़े से आपकी धान की खरीद कराई जाए। पिछले साल भी हर मंडी से हैपड़ में अच्छा माल खरीदा था और हैपड़ का मुनाफा भी अच्छा हुआ था। अब की बार भी हम यह आशा करते हैं ताकि मिलर की बात सुलझे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो हैपड़ से खरीद चालू करवा करके किसान को संतुष्ट किया जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।